भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और झुलाघाट में दो और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। तीन आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मे आई नाउ कॉल अपॉन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल टू मेक हिज रिमार्क्स। योर एक्सीलेंसी श्री नरेंद्र मोदी जी, मेंबर ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम इक्वली टच्ड बाय योर वार्म वेलकम एंड जेनरस हॉस्पिटैलिटी। This is my fourth visit to India as the Prime Minister of Nepal. I fondly recall my previous visit in September. तो आप सुन रहे थे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडो नेपाल रेल प्रोजेक्ट के तहत वर्चुअली बथनाहा नेपाल यार्ड लिंक रेल लिंक जो है उसका शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पर कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई है और अब देखना होगा कि क्या कुछ इन्वेस्टरों से निकल कर आता है, क्योंकि ये पहला दौरा है प्रचंड का।